वेलकम टू अकाउंटेंट बेसिक्स की चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाला प्रैक्टिस सेशन इन टैली सॉफ्टवेयर। और फ्रेंड्स, आप अंत तक रहिए, जो भी स्क्रीन में जो प्ले हो रहा है और उससे मैं आपको अलग अलग अकाउंटिंग के जो रिपोर्ट्स अवेलेबल है टैली में, वो सब बताने वाला। तो आपको अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन आप अंत तक देखिए तो ही आपको बहुत फैमिलियर हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, तो मैं आपको ना क्वेश्चनेयर फॉर्म में आपको सिखाने वाला हूँ, क्वेश्चनेयर फॉर्म में, प्लस जहाँ जहाँ एडिशनल मेनू अवेलेबल है ना वो भी आपको बताऊंगा। अभी मेरा जो देखो क्या आज क्या सेशन है, क्वेश्चनेयर्स इन मास्टर सेटअप और फ्रॉम ईच मेनू। तो पहला, जब भी आप टैली ओपन करते हैं ना तो ये 6 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। कौन से? सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर और क्विट। ओके, और अगर कंपनी का कोई नेम में चेंज है, एड्रेस में है, अपडेशन कुछ है, पिन नंबर में है, तो ये अदर ऑप्शंस अवेलेबल है। वो जो यहाँ पे जब आप कंपनी सेलेक्ट करते हैं ना तब ये ऑप्शन एक्टिवेट होते हैं। देखो, अभी मैंने कंपनी सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने डेटा अपडेट किया, तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है, वही ऑप्शन है, सेलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, क्रिएट ग्रुप कंपनी। ये कब एक्टिवेट होगा? जब और एक कंपनी आप ओपन करेंगे ना तब ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अल्टर कंपनी, सिक्योरिटी कंट्रोल, चेंज टैली वर्ल्ड, स्प्लिट कंपनी डेटा, बैकअप, रिस्टोर। फ्रेंड्स, ये जो 5 कमांड है ना, सिक्योरिटी कंट्रोल, चेंज टैली वर्ल्ड, स्प्लिट कंपनी डेटा, बैकअप और रिस्टोर, ये जो 5 कमांड है ना, विद द हेल्प ऑफ आईटी और सीनियर पर्सन, उनकी हेल्प लेने के बाद ही करना है। हाँ, अदरवाइज नहीं टच करेंगे तो भी चलेगा। ओके, वो आपकी बाउंड्री रख दीजिए, क्योंकि अगर आपको 100% नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको वो सिखाने वाला हूँ वो क्या रहता है। ओके, तो अभी मैं फर्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट कंपनी, लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेने के पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ, क्रिएट कंपनी। ओके, तो अपन क्रिएट कंपनी का ऑप्शन एक्टिवेट करते हैं, क्रिएट। यहाँ पे क्या लिया, MNC कंपनी। आप ये कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, MNC कंपनी कॉपी किया। एड्रेस कमला मिल मुंबई, कंट्रोल ऑल्ट वी, इंडिया, महाराष्ट्र, पिन कोड और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 जून 2020। दोस्तों, अपना ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, तो एजुकेशन सॉफ्टवेयर में 1 तारीख और 31, दो ही डेट एक्सेप्ट होते हैं। और आपका अगर लाइसेंस सॉफ्टवेयर होगा ना तो आपकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब डेट एक्सेप्ट होगी। टैली वॉल्ट पासवर्ड एंड रिपीट पासवर्ड, फ्रेंड्स डोंट यूज इट, इट्स अ, अगर आप इसका पासवर्ड भूलेंगे ना तो आपका डेटा रिकवर नहीं होगा, तो ये दो ऑप्शन नहीं होंगे। दूसरा क्या, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, यस। सिक्योरिटी कंट्रोल मतलब आपकी कंपनी को कोई थर्ड पार्टी एक्सेस ना करे, तो IT वाले ना ऑलवेज इसमें ये डालते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन डालते हैं। ओके, तो थर्ड पार्टी कोई एक्सेस नहीं करेगा अपने को, तो एडमिनिस्ट्रेटर नेम एडमिन, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा एडमिन। पासवर्ड, अगर देखो पासवर्ड यहाँ पे लिखा है tally@123, एक अपर केस में है, बाकी लोअर केस में, नीचे वाला ये स्पेशल कैरेक्टर है, 123 है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं 123456 टाइप करूँगा, देखो इमीडिएटली यहाँ पे रेड मार्क आया, भाई आपका जो पासवर्ड है ना उसकी स्ट्रेंथ वीक है, तो ये पासवर्ड मत यूज़ कीजिए। ओके, तो मैं पासवर्ड क्या डाल रहा हूँ, tCAPITAL@123, ये सब स्मॉल में, और स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिकल 123, tally@123। दोस्तों, एक मैसेज आएगा स्क्रीन पे, फॉर अगर आपका पासवर्ड भूल गए तो डेटा लॉस हो सकता है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप डेटा ही नोट डाउन करें। यूज टैली ऑडिट फीचर, यस, आप यस दीजिए। बाकी ये डेटा एज इट इज रहे, करेंसी ऑप्शंस ये बाय डिफॉल्ट रहे, उसमें कोई चेंज मत कीजिए। हो गया, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ पे अपन एडमिन और यहाँ पे tally@123। ओके, अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे दो कंपनी ओपन हुई है, तो पहला क्वेश्चन है हाउ टू ओपन मल्टीपल कंपनीज फ्रॉम सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन। तो वापस दिखा दो ये करके, पहले मैं
क्लोज करता हूँ ये कंपनी, शट 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 शट। हाँ अभी यूज करो सेलेक्ट कंपनी एबीसी, यूजर आईडी डालता हूँ, अगेन ओपन करता हूँ नया कंपनी, F1 प्रेस किया, MNC एडमिन टैली @123 हो गया। तो दो कंपनी ओपन है, तो यहाँ पे मैं ABC करूँगा, ये ऊपर ABC आएगा, MNC करूँगा MNC आया। ओके तो यूज़र अकॉर्डिंग टू द चॉइस वो अप एंड डाउन कर सकता है और वैसे अकाउंटिंग एंट्री बुक कर सकता है। अभी MNC कंपनी देखो इन्वेंटरी ऑप्शन एक्टिवेट है तो मैं उसको डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। ओके मैंने वो डीएक्टिवेट किया। ओके तो यहाँ पे देखो इन्वेंटरी की सब ऑप्शन निकल गया। हाँ हाउ टू शट क्लोज सिंगल कंपनी, अगर आप मुझे कंपनी को कौन सी बंद करने तो ये कमांड यूज करना है _F3 और यहाँ से मैं शट कंपनी कर सकता हूँ। ओके कोई भी कंपनी आपको बंद करना है। हाउ टू अपडेट एड्रेस इन कंपनी, तो चलो अपने को एड्रेस अपडेट करना है तो यहाँ पे अल्टर ऑप्शन है, MNC जाके यहाँ पे मुंबई लोअर परेल वेस्ट और मुंबई और कंट्रोल ए डाल देता हूँ, सेव। ओके हाउ टू अपडेट सिक्योरिटी कंट्रोल इन सिंगल कंपनी, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि देखो यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल मैंने ऑलरेडी डाला, देखो एडमिन का ये लॉगिन डाला है और पासवर्ड tally@123 और ऑडिट फीचर्स मैंने एक्टिवेट किया है। तो हाउ टू अपडेट सिक्योरिटी कंट्रोल इन सिंगल कंपनी, तो मैंने आपको बताया कि कैसे सिक्योरिटी कंट्रोल अपडेट करते हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन और पासवर्ड क्रिएट किया। सेकेंड क्वेश्चन है जो आपने अभी किया मैंने क्रिएट कंपनी। थर्ड कंपनी हाउ टू एक्टिवेट टैली ऑडिट फीचर्स इन क्रिएट कंपनी न्यू कंपनी, तो यहाँ पे मैंने टैली ऑडिट फीचर्स एक्टिवेट किया, यस। नेक्स्ट है हाउ टू अपडेट फॉर्मल नेम फ्रॉम INR टू रुपीस, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं देखो और माउस से मैं डायरेक्टली गया, माउस से आप डायरेक्टली यहाँ पे वो रुपीज साइन डाल सकते हैं। ओके यहाँ पे जैसे ऐसा रुपीज साइन डाल सकते हैं। ओके अभी मैं वही रख रहा हूँ ओल्ड वाला, लेकिन आप ऐसा अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद और एक क्वेश्चन हाउ टू शो अमाउंट इन मिलियंस, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो यहाँ पे अमाउंट इन मिलियंस यस कर सकते हैं, पर इंडिया में मिलियंस में अलाउड नहीं तो अपन नो लेते हैं। ओके प्रेस कंट्रोल ए, डेटा उससे होगा आपका। ओके हाउ टू क्रिएट ग्रुप कंपनी, ग्रुप कंपनी का यूज़ क्या है फ्रेंड्स, अगर आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसमें 3-4 कंपनी है, मतलब होल्डिंग कंपनी है, 3 सब्सिडरी कंपनी है या अदर ग्रुप कंपनी है, अगर आपको ग्रुप वाइज प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, ग्रुप वाइज बैलेंस शीट चाहिए, ग्रुप वाइज बैंक बैलेंस चाहिए, तो ये कैसे कर सकते हैं, तो उसके टैली में ना एक ऑप्शन है क्रिएट ग्रुप कंपनी। पर दोस्तों इसमें ध्यान रखिए कि जो भी लेजर क्रिएट करेंगे ना ईच कंपनी में उसका नामकरण सिमिलर नेम होना चाहिए, सैलरी एंड वेजेस। ओके और दूसरे कंपनी सैलरी एंड वेजेस अकाउंट करके क्रिएट मत कीजिए, सब जगह एक ही नाम करूँगा, सैलरी एंड वेजेस, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, स्टाफ वेलफेयर, जो यूनिफॉर्म नेम है एक्सेप्टेबल नेम है ना वही सब जगह चाहिए। तो उससे क्या होता है जब आप ग्रेट ग्रुप कंपनी का ट्रायल बैलेंस देखेंगे ना या प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, तो एक ही रो में वो सब डेटा आएगा। नहीं तो क्या होगा अगर आपने गलती से स्पेस डाला, अकाउंट ए ऑब्लिक सी का एक नया एडिशन किया तो ना वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा वापस जाके वो मॉडिफाई करके वापस नामकरण परफेक्ट रखना पड़ेगा। तो इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि ग्रुप कंपनी में कंडीशन ये है सब जगह के लेजर नेम यूनिफॉर्म होने चाहिए, एक्सेप्ट अगर बैंक अकाउंट नंबर है वो डिफरेंट है चलेगा, लेकिन PNL एक्सपेंसेस के सब लेजर नेम उनके नामकरण सेम होने चाहिए। उसमें आप सेपरेशन देखो स्पेस बार, मतलब आप स्पेस बार मारेंगे तो भी वो सेपरेशन किया जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो अलग होता है क्योंकि आपने एक लेंथ बढ़ाया है। ओके तो वो ध्यान रखें और ऐसा मत कीजिए, क्लियर। उसके बाद है कि चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं हाउ टू क्रिएट ग्रुप कंपनी, तो मैं यहाँ पे _F3 में जाता हूँ, ग्रुप कंपनी क्रिएट ग्रुप कंपनी और यहाँ पे डाल देता हूँ ग्रुप कंपनी, एड्रेस डाल देता हूँ जो अपने पास एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं, इंडिया महाराष्ट्र पिन कोड
मेंबर्स, आप देखो यहाँ पे लिस्ट है ये कि आपके कितने मेंबर्स इस ग्रुप कंपनी में कर आपको चाहिए। तो अभी आप दो भी दे सकते हैं, बाद में तीन चार भी दे सकते हैं। तो अभी मैं दो दे रहा हूँ, ABC एंड कंपनी एंड MNC एंड कंपनी। ओके यस, हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए कितने कंपनी ओपन हुए, एक ABC एंड कंपनी, MNC और ग्रुप कंपनी, तीन कंपनी ओपन हुए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू व्यू ट्रायल बैलेंस इन कंपनी वाइज। ओके तो यहाँ पे अपन अभी एट प्रेजेंट कहाँ पे, ग्रुप कंपनी, देखो यहाँ पे ग्रुप कंपनी में ट्रायल बैलेंस, देखो ये ट्रायल बैलेंस आया, इसमें आपको ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस चाहिए, तो मैंने F12 यस, शो ट्रांजैक्शन यस, नेट नहीं चाहिए मुझे, डेबिट क्रेडिट चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस नेम, देखो यहाँ पे ना अमाउंट आप लैक्स में क्रोर्स में ले सकते हैं, शॉर्टिंग मेथड अल्फाबेटिकल बाय डिफॉल्ट रहे वो बेटर रहेगा। ओके अभी यहाँ पे आप _F1 करके डिटेल प्रेस कीजिए, देखो ये आया। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान रखिए, देखो संडे क्रिएटर इटैलिक नहीं है, तो शिफ्ट एंटर दबाए तो आपको लेजर नेम मिलेंगे, शिफ्ट इटैलिक दबाए तो आपको लेजर नेम मिलेंगे, क्लियर। तो इटैलिक मतलब लास्ट है, क्लियर। ओके हाउ टू व्यू प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी वाइज। ओके हाँ सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको जो ट्रायल बैलेंस दिखा है वो कंपनी वाइज नहीं दिखा ना, तो देखो कैसा ऑप्शन है, यहाँ पे न्यू कॉलम करना है और आपको कंपनी सेलेक्ट करना है। देखो स्क्रीन पे आया अगेन न्यू कंपनी MNC कंपनी, तो यहाँ पे अभी MNC कंपनी कुछ डेटा नहीं क्योंकि आपके सामने मैंने क्रिएट किया है। ओके तो उसमें कोई डेटा नहीं रिफ्लेक्ट है। तो ये ऐसे आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, आपको F12 करके सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस चाहिए तो आप क्लोजिंग बैलेंस भी ले सकते हैं, आपको एक्सपोर्ट करना है आप ट्रायल बैलेंस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्लियर। ये ट्रायल बैलेंस व्यू है। उसके बाद हाउ टू व्यू प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी वाइज, तो आपको क्या करना है, F10 अकाउंट्स रिपोर्ट में जाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रेस करना है। देखो कंपनी वाइज और डिटेल में चाहिए तो F1 जो टॉप में दिया ऑप्शन वो क्लिक कीजिए, देखो आया। नेक्स्ट है अल्टर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अल्टर ऑप्शन। अल्टर का ऑप्शन है कि आप एड्रेस डिटेल या बेसिक डिटेल है वो आपको चेंज कर, लेकिन अगर एक बार ऑलरेडी सीनियर से डिस्कस हुआ, IT डिपार्टमेंट डिस्कस, उसके बाद मॉडिफाई मत कीजिए। ओके नेक्स्ट है सिक्योरिटी कंट्रोल, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल। देखो सिक्योरिटी कंट्रोल का इम्पोर्टेंस है कि कोई थर्ड पार्टी डेटा आपका एक्सेस न करे, और किसी ने गलत एंट्री पास किया है तो उसका यूजर नेम शुड रिफ्लेक्ट इन बिलो दी अकाउंटिंग एंट्री। ओके तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल, तो उसमें देखो अपन देखते हैं अभी सिक्योरिटी कंट्रोल अपने को देखना है। तो यहाँ पे _F3 में जाते हैं और यहाँ पे इतना पहले कंपनी क्लोज करते हैं, ग्रुप कंपनी शट कंपनी _F3, और देखो यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल जो मैंने MNC कंपनी है ना, MNC कंपनी वहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल में गया। ओके सिक्योरिटी कंट्रोल में आप देखेंगे यूजर एंड पासवर्ड, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी एंड पासवर्ड पॉलिसी एंड क्विड। तो पासवर्ड पॉलिसी आप देखेंगे ना फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्टिवेट पासवर्ड पॉलिसी यस रखना है, क्यों मालूम है, इसमें जो ऑप्शन दिए बहुत अच्छे टैली ने सेट करके दिए और ये यूनिफॉर्म में अशप है, ये ऐसे होने चाहिए। और देखो टैली ना सामने से आपको दिखाता है कि भाई जब भी कोई सेटअप हो वो ऐसा हो कि वो यूज़र को भी मालूम रहे कि भाई ये कैसा बनाया है। मिनिमम पासवर्ड स्ट्रेंथ 8 एक्सेप्टेबल, स्पेसिफाई एडवांस पैरामीटर फॉर पासवर्ड स्ट्रेंथ आप दे सकते हैं, आपको अगर देना है तो देखो कि अल्फाबेटिकल कितना होना चाहिए, न्यूमेरिक कितना होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, ओके आप दे सकते हैं। पासवर्ड 90 डेज के बाद ख़त्म होना चाहिए यस, और यूज़र को 5 डेज पहले नोटिफाई करना चाहिए कि आपका पासवर्ड रिस्ट्रिक्ट ओल्ड पासवर्ड। इसका मीनिंग है कि ना देखो आप नेट बैंकिंग में ना अगर आपका जो पिछला पासवर्ड है ना उससे पिछला पासवर्ड मतलब ओल्ड पासवर्ड अगर वो ट्राई आप इंसर्ट करते हैं ना तो मैसेज आता है कि यू आर नॉट अलाउड टू यूज एनी ओल्ड पासवर्ड। ओके तो वैसे टैली में भी एक ऑप्शन दिया है कि आप ओल्ड पासवर्ड आपको अलाउड नहीं करेगा यूज मतलब आप उसको अपडेट नहीं कर पाए, मैसेज आएगा कि ऑलरेडी आपने यूज़ किया है। चेंज पासवर्ड इन फर्स्ट लॉगिन, हाँ दे सकते हैं क्योंकि IT लॉगिन जो ये पासवर्ड है ना यूज़र ID पासवर्ड IT डिपार्टमेंट करते हैं, तो जब भी यूज़र फर्स्ट टाइम लॉगिन करता है तो उसको एक ऑप्शन मिलता है कि भाई वो पासवर्ड चेंज करे, सो दैट कोई दूसरा जन उसका कोई एक्सेस ना करे।
उसके बाद है अलाउ यूजर टू चेंज पासवर्ड, यस देना चाहिए कि 90 डेज खत्म होने के बाद देना चाहिए, और जब फर्स्ट टाइम लॉग इन करता है तभी भी देना। यस अभी यूजर एंड पासवर्ड देखो, टैली ने बाय डिफॉल्ट क्रिएट करके दिखाया, डेटा एंट्री ओनर टैली डॉट नेट एंड ऑडिटर, ये ऑडिटर के वर्जन के लिए, अगर टैली का जो सॉफ्टवेयर है ना एक ऑडिटर बेस्ड वर्जन भी है, उसमें उनके बहुत सारे ऑप्शन दिए कि ऑडिटर के लिए बहुत ईजी पड़ता है वो एक्सेस करने। बाद में टैली डॉट नेट यूज़र, मतलब नेट से कोई डेटा अपडेट होता है, मतलब अदर लोकेशन से, तभी जब आप लाइसेंस पैकेज लेते हैं ना तभी आपको यूज़र आई डी और पासवर्ड मिलता है, और उनको कितने राइट्स देने चाहिए वो यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो बेसिकली चार तरह के राइट्स है, एक डेटा एंट्री ओनर टैली डॉट नेट एंड टैली डॉट यूज़र। अभी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, डेटा एंट्री में देखो यहाँ पे यूज बेसिक फीचर, यस डेटा एंट्री बैकडेटेड, जनरली असिस्टेंट को कितने दिन के बैकडेट का एंट्री देना चाहिए, 3 डेज, उससे ऊपर ज़्यादा देना नहीं चाहिए, और उसमें आप कट ऑफ डेट भी दे सकते हैं कि उसके पहले डेट का नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2020 का अगर आपको देना है कि भाई वो नहीं हाथ लगा सकते उसके पहले का, ओके तो आप लॉग एक कट ऑफ डेट दे सकते हैं वो 1 अप्रैल का आगे का, लेकिन मैक्सिमम सपोज वो 7 तारीख में एंट्री कर रहा है तो 7 तारीख से 3 दिन पीछे, मतलब 6, 5, 4 तक ही उसको मिलेगा एक्सेस, 4 अप्रैल तक मिलेगा, ओके। और यहाँ पे देखिए डिसअलाउ दी फॉलोइंग फैसिलिटी, ये इतनी सारी फैसिलिटी उसको नहीं मिलेगी। देखो अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन वाइज जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और मैनेजर टैली के राइट्स एलोकेट कर, और ये स्टैंडर्ड सेटअप है सब जगह, ये सब जितने भी आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ना वर्ल्ड के उसमें सब जगह सेटिंग करके रखे कि भाई डेजिग्नेशन वाइज वो देना चाहिए, नहीं तो क्या अगर जूनियर्स को आप बड़ी राइट्स देंगे करने के अलावा उसने गलती से कुछ डेटा फीड किया तो सब जगह रिफ्लेक्ट होगा, ओके। तो इतने सारे देखो प्रॉफिट एंड लॉस शेड्यूल 6 ये सब एक्टिवेट ऑप्शन है, डीएक्टिवेट ओनली उनको सेलेक्टेड देना चाहिए। अभी देखो मैं असिस्टेंट को सेलेक्टेड कैसे देता हूँ, एक क्रिएट एंड अल्टर वाउचर्स देता हूँ मैक्सिमम 3 डेज, डिस्प्ले एंड प्लेन प्रिंट वाउचर्स वो एक देता हूँ उसको उनको ऑप्शन, डिस्प्ले एंड प्रिंट लेजर, ओके ये राइट्स देता हूँ, बस इतना ही राइट्स सफिशिएंट है। वापस देखना है देखो इतना ही राइट्स दिया है तो क्या एंट्री फीड करेंगे उनको ज़्यादा राइट्स नहीं रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस वो नहीं देख सकते, ओनली क्रिएट अल्टर डिस्प्ले प्रिंट एंड वाउचर देख सकते और लेजर देख सकते, ओके तो ये सिक्योरिटी कंट्रोल, ओके तो होप दैट यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल और क्यों चाहिए। हाँ नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट कंपनी डेटा, फ्रेंड्स अगर आपको आपकी एक कंपनी है मेन कंपनी है सपोज उसमें 10 ईयर का डेटा है, जब भी आप टैली ओपन करते हैं ना तो ये लोड करने में बहुत टाइम लेता है, तो इसलिए क्या करते हैं सपोज आपका 15 साल का डेटा उसमें है तो उसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट मतलब क्या होता है, आपकी जो ओरिजिनल फाइल है ना उसमें 15 साल का डेटा रहेगा प्लस 2 एडिशनल कंपनी अलग से टैली में क्रिएट होगी, सपोज एक 14 साल का और 1 साल का, वो यूज़र डिसाइड करेगा या आईटी डिपार्टमेंट विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट वो डिसाइड करेगा। तो 14 साल का आप सेपरेट कर सकते हैं, 1 साल का सेपरेट कर सकते, उससे क्या होगा 14 साल का डेटा सेपरेट होगा और 1 साल का अलग होगा, और 1 साल के डेटा में आप एंट्री करना स्टार्ट करेंगे तो आपका एंट्री सेव होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है अगर उसमें डेटा ज़्यादा हो ना तो लोड होने में बहुत टाइम लगता है और जितने भी यूज़र रहते हैं ना सब जगह प्रॉब्लम फेस होता है, तो इसीलिए स्प्लिट कंपनी ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्प्लिट कंपनी, ओके जब भी मैं सेलेक्ट कंपनी करता हूँ तो वो कंपनी और स्प्लिट का देखो वो यहाँ पे फर्स्ट कंपनी और सेकंड कंपनी ये बता देता है, एक कंपनी 1 अप्रैल से होगी और दूसरी कंपनी टैली ने एक डेट डाल के देता है यूज़र को कि भाई ये डेट से ये होगी ये होगा, तो आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ आईटी डिपार्टमेंट ये कमांड यूज करना है। नेक्स्ट है बैकअप और रिस्टोर, फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो 5 ऑप्शन है विद द हेल्प ऑफ आईटी सीनियर्स आप कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए मैं बताता हूँ बैकअप। अगर मुझे बैकअप लेना है देखो तो ये मेरी सोर्स है कि जहाँ पे मेरा ओरिजिनल डेटा है और मुझे कहाँ पे बैकअप चाहिए, तो यहाँ पे
नो कंपनी ऑन दिस, एक मिनट पहले मैं कंपनी ओपन करता हूँ, बैकअप लेता हूँ, ओके बैकअप, देखो ये मैं बैकअप ले सकता हूँ, ओके ए बी सी एंड कंपनी, एक कंपनी का ले सकता हूँ, हाउ टू टेक बैकअप सिंगल कंपनी और हाउ टू टेक बैकअप मल्टीपल कंपनी, तो ये आप ग्रुप कंपनी भी ले सकते हैं, ये भी ओके मल्टीपल हो गया, बैकअप ले सकते हैं, यस करेंगे तो बैकअप वापस सेव हो जाएगा, ओके दूसरा है रिस्टोर, रिस्टोर मतलब जो आप बैकअप ऑलरेडी आपने लेके रखा है और आपको रिस्टोर करना है, सपोज आपने ऑडिटर को देना है बैकअप, तो आप क्या करते हो ऑडिटर को बैकअप फाइल शेयर करते हो, तो बैकअप जब भी ऑडिटर अपने यहाँ पे सेव करेगा ना, वो रिस्टोर ऑप्शन यूज़ करेगा, और रिस्टोर में क्या है वो बताएगा कि ये जो ओरिजिनल बैकअप है उसमें कितने सारे कंपनी, सपोज इतने सारे कंपनी, तो ऑडिटर अपना कौन सा एक कंपनी सेलेक्ट करेगा, और देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन है डेस्टिनेशन मतलब आपको डेटा कहाँ सेव करके चाहिए, और सोर्स क्या होगा, सोर्स मतलब वो बैकअप फाइल, यहाँ पे वो डाउनलोड का पाथ भी दे सकता है, पेन ड्राइव का भी पाथ दे सकता है, तो वहाँ से वो टैली उठाएगा और वो रिस्टोर करके देगा आपको, ओके तो ये हो गया बैकअप और रिस्टोर का इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है कितने मेनूज अवेलेबल है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मेनू मतलब यहाँ पे ओके ग्रुप है, लेजर है, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर है, बजट है, सिनेरियो, करेंसी, वाउचर टाइप, क्विट, ओके तभी अभी अपन देखते हैं ग्रुप्स, ग्रुप्स में भी देखो सेम ऑप्शन लेजर्स में भी है, एक्सेप्ट इसमें क्रेडिट लिमिट्स का एक ऐड दिया है। कॉस्ट कैटेगरी देखो कॉस्ट कैटेगरी के भी नीचे ऑप्शन है, क्रिएट डिस्प्ले अल्टर सेम है, और कॉस्ट सेंटर में भी वही है, और देखो मेरा जो प्रीवियस सेशन है उसमें मैंने कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर बताया आपको। चलो अभी यहाँ पे क्वेश्चन है ग्रुप, और ये अपने को एमएनसी कंपनी में करना है, मतलब ये कंपनी जो अपने अभी क्रिएट की है, हाउ टू क्रिएट सिंगल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पे अपन अकाउंट इन्फॉर्मेशन ग्रुप क्रिएट कंप्यूटर फिक्स एसेट, ओके फ्रेंड्स मैंने आपको बिगिनिंग में बताया कि अगर आपने पहले यूट्यूब के लेक्चर नहीं सुने होंगे ना तो आप थोड़ा पीछे जा सकते हैं, मेरा जस्ट रिक्वेस्ट है आप एक बार सुनिए तो आपका एक रिविजन हो जाएगा, और मैंने ऑलरेडी बताया कि देखो कोई भी वर्ल्ड का सॉफ्टवेयर है उसको टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, यूजर हैज टू डिसाइड। अभी एक लाइव एग्जांपल देखो, देखो कंप्यूटर हमेशा ज़्यादा फिक्स एसेट में, मैं यहाँ पे डाल देता देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखो एक्सेप्ट होगा, हो गया एक्सेप्ट, इसीलिए तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, कोई भी अकाउंट सॉफ्टवेयर वर्ल्ड का उसको वो जो एसेट की लाइफ कितनी है वो नहीं मालूम है, ओके तो अपने को जाके वो अल्टर करना है और परफेक्ट कॉन्सेप्ट वाइज डालना है। तो आप एक और एक दिखा दो, देखो कंप्यूटर मैं यहाँ पे भी डाल सकता हूँ सेल्स में, सेव हो गया, मैं यहाँ पे भी डाल सकता हूँ लोन्स लाइबिलिटी में, सेव, अरे ये क्या है, अरे ऐसा टैली में किया है सर, नहीं टैली ने नहीं किया है भाई, यूज़र ने डाला है, तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ आप प्रीवियस यूट्यूब लेक्चर सुने तो आपको मालूम पड़ेगा कि यूजर हैज टू सेलेक्ट विच टाइप ऑफ ग्रुप इट शुड बी सेलेक्ट, तो फिक्स एसेट, ओके मैंने फिक्स एसेट सेलेक्ट किया, हो गया। हाउ टू अल्टर मैंने आपको बताया कैसे किया, हाउ टू क्रिएट मल्टीपल ग्रुप विथ बिलो डिटेल्स, अभी मल्टीपल ग्रुप करना है, एक देखो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पे क्रिएट और मुझे चाहिए फिक्स एसेट में कंट्रोल ऑल्ट भी कॉपी होगा, सॉरी कंट्रोल सी कंट्रोल ऑल्ट भी प्लांट एंड मशीनरी कंट्रोल सी कंट्रोल ऑल्ट भी कंट्रोल सी कंट्रोल ऑल्ट वी, ओके हो गया मल्टीपल और मल्टीपल लेजर्स क्रिएट हो गया, मल्टीपल लेजर्स कंट्रोल ऑल्ट, ओके अभी लेजर हाउ टू क्रिएट सिंगल लेजर इन ग्रुप कंप्यूटर, ओके तो अभी मैं सिंगल लेजर बनाता हूँ कंप्यूटर कंप्यूटर मीडियम रिजोल्यूशन
यहाँ पे मैं कंप्यूटर सेलेक्ट करता हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ देखें कंप्यूटर फिक्सर से। ओके और दोस्तों यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट कुछ भी डाल सकता हूँ, तो यूजर हैज टू डिसाइड। ओके तो यूजर डाल सकता है। ओके गुड्स गुड्स क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे ना फर्स्ट जून क्यों दिखा रहा है कि अपना बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम फर्स्ट जून है, इसीलिए तो फर्स्ट ईयर में ये डेट पॉपअप हो जाएगा। हो गया लेजर क्रिएट, हाउ टू अल्टर सिंगल लेजर। ओके तो अल्टर अभी करना है तो कंप्यूटर इसको हाई रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन। ओके कंट्रोल ए सेव। हाँ और एक दिक्कत है दोस्तों यहाँ पे ना, देखो अलायस है, अलायस अलायस मतलब क्या, शॉर्टकट की। जब भी एक लेजर बार बार रिपीट होता है ना, तो उसको अलायस करना बहुत अच्छा रहता है। अभी देखो कैश, कैश को जनरली सब लोग सी देते हैं, बैंक को ना बी देते हैं, बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखो आप जब भी शॉर्टकट की सी प्रेस करेंगे इमीडिएटली कैश आएगा। क्लियर कंट्रोल सी कीजिए तो एक दिखाना, एक देखो दिखा रहे अकाउंटिंग वाउचर कंप्यूटर। सपोज यहाँ पे मैं टेलीफोन एक्सपेंसेस एक डालता हूँ, जस्ट प्रेस, मैं सी प्रेस करो, देखो सी इधर आया और यहाँ पे डायरेक्टली कीबोर्ड से सी टाइप करता हूँ और एंटर मारो, देखो हो गया सर। ओके तो अलायस मतलब एक शॉर्टकट की है। ओके अभी हाउ टू क्रिएट मल्टीपल लेजर विद बिलो डिटेल्स। तो अभी क्रिएट में मल्टीपल लेजर्स किस में बोला क्रिएट करने, प्लांट एंड मशीनरी वापी, प्लांट एंड मशीनरी वापी, कौन से लेजर करें, ड्राइव फिलिप्स मशीन वापी, कंट्रोल सी कंट्रोल ऑल्ट पी, कंट्रोल सी कंट्रोल ऑल्ट वी, हो गया सेव सेव। हाउ टू बुक अकाउंटिंग एंट्रीज इन टैली फॉर परचेस ऑफ अबव मशीनरीज। फ्रेंड्स टैली में जनरली मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि फिक्स एसेट की सीरीज अलग रखो, इससे बेनिफिट क्या होगा, एक वाउचर वाउचर रजिस्टर अलग होगा और उसके वाउचर्स भी अलग रहेंगे, तो ये स्टैंडर्ड ऑडिट में भी अच्छा होगा और टैक्स ऑडिट में भी अच्छा होगा। ओके तो अपन क्या करते हैं, एक क्रिएट वाउचर अलग से करते हैं, क्रिएट जर्नल फॉर फिक्स एसेट, यहाँ पे जर्नल लेते हैं, ऑटोमेटिक नंबरिंग, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, यस मुझे एडवांस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, स्टार्टिंग नंबर एक से होगा, विद उसका तीन मतलब 999, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इधर आप चार देते ना तो मैक्सिमम नंबर क्या होगा, 9999। यहाँ पे मैं थ्री दे रहा हूँ 999। प्रीफिल विद जीरो, यस तो 001, 002, 003, 004, ओके तो यस देता हूँ। ये मेरा फर्स्ट ईयर है इसलिए फर्स्ट जून, और नेक्स्ट ईयर से मेरा होगा फर्स्ट अप्रैल 2021 से होगा ईयरली। ओके नहीं तो नेक्स्ट ईयर से फर्स्ट जून 2021 से नया देगा वो, उससे अच्छा ये एक डेट डाल सकते ईयरली। प्रीफिल विद ये क्या करना, एफए 2021 फॉरवर्ड स्लैश और फर्स्ट अप्रैल से एफए 21, 22। ओके और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश मुंबई, मुंबई लोकेशन। ओके अलाउ नरेशन, यस प्रोवाइड नरेशन इन लेजर, यस वो बेटर रहेगा, तो नरेशन दो जगह मिलेगा डालने को मिलेगा, लेजर में भी और नीचे नरेशन में। तो अकाउंटिंग वाउचर यहाँ पे मैं जर्नल सेलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे जर्नल फॉर फिक्स एसेट, देखो यहाँ पे नंबरिंग देखो कैसा है, 2021 मुंबई लोकेशन। ओके क्या अकाउंटिंग एंट्री बुक करना है, ड्राई फिलिप्स मशीन, ड्राई फिलिप्स मशीन 25,000, ओ बिलिंग एक्टिवेट हुआ तो यहाँ पे मैं डीएक्टिवेट करता हूँ, बिलिंग एक्टिवेट यहाँ पे नहीं होना, ओनली सप्लायर और क्रिएटर मैंने चाहिए 25,000। डेबिट दूसरा कौन सा है, ड्राई फिलिप्स एंड क्लीनिंग, उसमें भी 15,000, वहाँ पे भी बिल एक्टिवेट हुआ तो उसको बिलिंग बाय फिक्स एसेट को बिल बाय बिल ऑप्शन नहीं रहता है। ओके 15,000 और मैं यहाँ पे एक क्रिएटर क्रिएट करता हूँ, एबीसी एंड कंपनी सन्डे क्रिएटर्स, बिल बाय बिल, यस यहाँ पे बिल बाय बिल होना चाहिए,
डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 45 डेज का आप डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सपोज 45 डिफॉल्ट 45 डेज, चेक डेटेड यस होना चाहिए, और स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट अगर ये मेरे को पार्टी को ज़्यादा दर्शाए 150,000 तक ही ट्रांजेक्शन करना है। यहाँ पे एड्रेस डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डाल दीजिए, पैन नंबर और जीएसटी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ओके, तो वो प्रॉपर फीड हो, ओके। वेरीफाई करने के बाद ही यहाँ पे इंसर्ट कीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, मास्टर डेटा है, ओके। न्यू रेफरेंस, आप इनवॉइस नंबर को डाल सकते हैं, ओके। इन परचेस ऑफ फिक्स एसेट, क्लियर हो गया। तो अकाउंटिंग एंट्री बुक का हाउ टू शो प्रेजेंटेशन ट्रायल बैलेंस ऑफ अबव एंट्री चाहिए, तो ट्रायल बैलेंस का प्रेजेंटेशन देखना है, तो डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, देखो ऐसा आया लेकिन ये डिटेल नहीं आया, तो F1 क्या, लेकिन देखो फ्रेंड्स मैंने क्या बोला कि इटैलिक है ना, इटैलिक वो लेजर रहता है, तो शिफ्ट एंटर कीजिए, देखो ABC इनकम शिफ्ट एंटर कीजिए, देखो तो ऑलवेज ध्यान रखिए जब भी ट्रायल बैलेंस आप एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो पहला वो कंडेंस देता है, बाद में आप उसको डिटेल बोलेंगे तो पूरा नहीं आता वो, तो उसको अपने को शिफ्ट एंटर करें, इटैलिक जा जा है सब जगह, ठीक है ना, तो ट्रायल बैलेंस वो एक्सपांड होता है, ओके। यहाँ पे और भी एक ऑप्शन है लेजर वाइज, लेकिन वो नहीं अंडरस्टैंड होता है वो, क्योंकि अल्फाबेटिकली जाता है वो, ओके। तो बेटर भी ऐसा जाना, तो ग्रुपिंग वाइज सबको मालूम पड़े, क्वेरी भी फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है। हाउ टू शो प्रेजेंटेशन वो अभी आपको, हाउ टू अपडेट क्रेडिट लिमिट्स इन सिंडिकेटर्स एंड सिंडिकेटर, तो यह कहाँ पे ऑप्शन है, ये अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में लेजर और क्रेडिट लिमिट, यहाँ पे आप सिंडिकेटर्स में आप डाल सकते हैं, देखो ये ABC कंपनी, आप इधर यहाँ पे 60 डेज भी डाल सकते, 50 डेज भी डाल सकते हैं, आपको जो नेगोशिएशन हुआ है क्रेडिटर के साथ उससे डाल सकते हैं। अभी कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट, हाउ टू एक्टिवेट कॉस्ट कैटेगरी इन टैली, तो फ्रेंड्स अगर आपको कॉस्ट सेंटर के ऑप्शन एक्टिवेट करना है, तो F11 कीजिए, अकाउंटिंग फीचर्स, यहाँ पे देखो मेंटेन कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे यस देना है, और मेंटेन मोर देन वन का यस, तब भी आपका कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन एक्टिवेट होगा। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपको मैं जब ABCN कंपनी किया, वहाँ पे मैंने कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन एक्टिवेट किया, तो अभी मैं वो वापस एंट्री नहीं दिखाऊंगा, अभी मैं वो जो रिपोर्ट है कॉस्ट सेंटर का वो आपको दिखाता हूँ। कहाँ पे है, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कॉस्ट सेंटर्स, देखो ये ऑलरेडी आपको मैंने दिखाया था, तो यहाँ पे हाउ टू क्या क्या क्वेश्चन है, हाउ टू एक्टिवेट कॉस्ट सेंटर टैली वो बताया, हाउ टू क्रिएट कॉस्ट सेंटर ये भी आपको इस सामने कॉस्ट सेंटर मैंने क्रिएट किया है प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं, हाउ टू डिस्प्ले कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट वो भी, देखो ये डिस्प्ले कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट है, देखो आपको एक्सपेंसेस पूरा मालूम, अगर आपको और एक है लेजर वाइज चाहिए तो लेजर वाइज भी चाहिए मिलेगा आपको, कि मोबाइल एक्सपेंसेस लेजर वाइज, ओके। हाउ टू डिस्प्ले कॉस्ट सेंटर, हाउ और क्या था, हाउ टू अपडेट कॉस्ट सेंटर इन वॉचर, तो एक मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, तो यहाँ पे मोबाइल एक्सपेंसेस सपोज 3500 है, तो ब्रांच के यहाँ पे मैं अपडेट करूँगा, ब्रांच 1500 और एक मेरी ब्रांच है कनकौली, उधर मैं डाल अपडेट, ओके बैंक ऑफ इंडिया, बस हो गया। तो आपको ये मैंने आपको शो है, तो एक्टिवेट कैसे करने का, क्रिएट कैसे करना, अपडेट कैसे करने का, डिस्प्ले कैसे करने का, ओके, ये आपको मैंने कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी प्रीवियस लेक्चर में और इसमें ही आपको थोड़ा रिवीजन मैंने बताया। अभी हाउ वाउचर टाइप, हाउ टू क्रिएट बैंक रिसिप्ट वाउचर, अभी MNC कंपनी अपना, ओके, उसमें अपने को वाउचर करना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन वाउचर टाइप में जाते हैं, क्रिएट, यहाँ पे अपन लिखेंगे बैंक रिसिप्ट, और यहाँ पे अपन से लिखेंगे रिसिप्ट, रिसिप्ट और ऑटोमेटिक एडवांस कॉन्फ्रेंस यस, स्टार मैक्सिमम 3 रिप्लिक यस, 1 अप्रैल 2020-21 से ये होगा रिफिल BR बैंक रिसिप्ट 2021 और 1 अप्रैल 2021 से वापस हो BR 2021-22 होना चाहिए, लोकेशन MUM, ओके, नरेशन यस सब्जेक्ट है, ओके। अभी आप अकाउंटिंग वाउचर में जाता हूँ,
यहाँ पे मैं रिसिप्ट में बैंक रिसिप्ट आता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखो वाउचर नंबर कैसा है, BR 2021-001 मुंबई। ओके, तो बैंक रिसिप्ट वाउचर क्रिएट किया। तो ये दोस्तों और हाउ टू क्रिएट बैंक पेमेंट वाउचर आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको अच्छा होगा। रिसिप्ट वाउचर, हाउ टू बुक रिसिप्ट वाउचर इन टैली। तो अभी मैं रिसिप्ट वाउचर बुक करता हूँ। तो साइन अप स्क्रैप डायरेक्ट इनकम और यहाँ पे मैं बैंक ऑफ इंडिया बैंक का यहाँ पे मैं डिटेल डालना है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड बहुत इम्पोर्टेंट है, जीएसटी नंबर। देखो टैली पॉपअप करता है कि भाई आप अपडेट करना है, अगर आप नहीं करें तो भी टैली आगे जाने देता है आपको। ओके, बिंग सेल ऑफ स्क्रैप बिंग स्क्रैप सेल ऑफ गो डाउन। ओके क्लियर, ये बैंक रिसीवेबल है। With a different ledger can be used instead of cash and bank and tally. देखो अभी मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, यहाँ पे मैं पेजअप करता हूँ तो मेरे प्रीवियस एंट्री आएंगे। अभी यहाँ पे मैं बैंक ऑफ इंडिया के जहाँ पे दूसरा लेजर यूज करता हूँ ABC। तो क्या मैसेज आया, रिसिप्ट वाउचर में ऑलवेज बैंक और कैश डेबिट होता है और पेमेंट में ऑलवेज कैश ऑन बैंक क्रेडिट रहता है, और कॉन्ट्रा में कैश ऑन बैंक डेबिट रहेगा और कैश ऑन बैंक क्रेडिट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे वो तो एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके, बैंक ऑफ इंडिया, हाउ टू बुक पेमेंट वाउचर इन टैली, वेदर टैली विल एक्सेप्ट नेगेटिव कैश बैलेंस पेमेंट इंटरेस्ट, हाउ टू चेक नेगेटिव कैश बैलेंस इन एनी डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो पेमेंट वाउचर इन टैली, देखो अकाउंटिंग वाउचर में जाता हूँ, पेमेंट वाउचर, अगर मुझे टेलीफोन एक्सपेंसेस पे करना है 5000 और कैश। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, रेड मार्क में है। ये मैं एग्जांपल बताओ रहा हूँ कि जब आप नेगेटिव कैश बैलेंस जाता है ना तो टैली यहाँ पे पॉपअप देखा था है, अलर्ट कर देता है कि आपका नेगेटिव कैश बैलेंस है। यहाँ पे दूसरा अलर्ट करता है कि भाई नेगेटिव कैश बैलेंस जा रहा है और इंट्री एक्सेप्ट करने देता है बिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पे। सेव करने देगा, और दोस्तों ध्यान रहे अगर आप करेंगे ना ये आपका जो एक्सेप्शन रिपोर्ट है ना वहाँ पे वो नेगेटिव लेजर में वो रिफ्लेक्ट होगा कि भाई ये नेगेटिव। ऑडिटर जनरली यहाँ पे ही देखते हैं नेगेटिव लेजर पूरे साल में कभी था, कैश बैलेंस नेगेटिव कभी था, बैंक बैलेंस नेगेटिव कभी था। ओके, तो यहाँ पे जाके वो जनरली चेक करते हैं। तो बहुत केयरफुल रहे कि नेगेटिव कैश बैलेंस देखिए ऑडिटर को मत दीजिए, नहीं तो ऑडिटर को मालूम पड़ेगा कुछ ट्रांजेक्शन प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हुआ है और नेगेटिव कैश बैलेंस का एंट्री बुक हो रहा है। हाँ, तो वो मत कीजिए, वो मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट, वेदर टैली विल एक्सेप्ट, यस, वेदर चेक नेगेटिव कैश बैलेंस इन एनी डेट ऑफ फाइनेंशियल, तो आप एक्सेप्शन रिपोर्ट में एनी डेट का दे सकते हैं। उसके बाद जर्नल, हाउ टू गेट जर्नल फॉर फिक्स एसेट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैसे अपने जर्नल फॉर फिक्स एसेट का किया। हाउ टू गेट जर्नल फॉर इन्वेस्टमेंट, वो आप खुद कीजिए, प्रैक्टिस सेशन है, आपको मालूम पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट का ओनली थिंग इन्वेस्टमेंट के लिए INV सजेस्ट करता हूँ मैं, INV डाल सकते हैं। हाउ टू बुक अकाउंट एंट्री टैली फॉर परचेस ऑफ फिक्स एसेट, तो मैंने आपको वो एंट्री सेव करके बताया कि कैसे मैंने वो एंट्री दिखाया। हाउ टू चेक स्टैटिस्टिक्स इन टैली, हाउ टू चेक स्टैटिस्टिक्स इन टैली, स्टैटिस्टिक्स का मतलब पूरे साल में कितने अकाउंटिंग एंट्री बुक। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट को भी मालूम होता है कि पूरे साल में कितने अकाउंटिंग वाउचर्स टैली में बुक हो रहे हैं। ऑडिटर को भी प्लानिंग करने में इजी पड़ता है कि भाई कितने वाउचर्स बुक हुए, बेस ऑन दैट वाउचर्स वो प्लानिंग होता है। ओके, अभी कैश परचेस एंड क्रेडिट परचेस। फ्रेंड्स, अगर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टैली में एक सजेस्ट किया है, अगर कैश परचेस आपको बुक करना है तो परचेस वाउचर थ्रू रूट कीजिए सो दैट वो एंट्री परचेस रजिस्टर में रिफ्लेक्ट हो। अगर आप डायरेक्टली पेमेंट एंट्री बुक करेंगे तो परचेस रजिस्टर में नहीं रिफ्लेक्ट होगा। तो उन्होंने चलो अब मैं आपको दिखा दूँ कैसे करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स, यहाँ पे मैं परचेस सेलेक्ट करता हूँ और एज ए वाउचर फॉर्मेट, यहाँ पे मैं इनवॉइस लेता हूँ
कैश परचेस का, सपोज 5 जून का है, और क्या है लेजर बनाता हूँ, कैश परचेसेस, और मैंने ऑलरेडी सजेस्ट किया कि सैलरी क्रिएटर में आपको क्रिएट करना है, $2,500, और यहाँ पे आपको लेजर करना है परचेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स, परचेस हो गया, एंट्री हो गया, बिंग पर कैश परचेस, कैश परचेसेस हो गया। अभी अपन परचेस रजिस्टर देना, तो परचेस रजिस्टर का आप देख सकते हैं डिस्प्ले अकाउंट बुक्स, आप देखिए यहाँ पे परचेस रजिस्टर में एंट्री आई है, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू बुक कैश परचेस, हाउ टू चेक परचेस रजिस्टर, हाउ टू एक्सपोर्ट परचेस रजिस्टर इन एक्सपोर्ट एक्सेल। तो यहाँ पे अकाउंट बुक्स में जाता हूँ, परचेस रजिस्टर, और यहाँ पे मैं देखो एक्सपोर्ट, पहला है नो देने का, और डिफॉल्ट एक्सेल, आपको एक्सेल में चाहिए तो एक्सेल में ले सकते हैं, और दूसरे कोई ऑप्शन है उसमें भी ले सकते हैं, तो एक्सेल में सजेस्टेबल है क्योंकि आपको उसमें एनालाइजेशन करना है। एक्सपोर्ट लोकेशन कहाँ पे सेव होगा वो बता रहा है, दूसरा बता रहा है फाइल का नाम क्या होगा, परचेस रजिस्टर अपडेट एग्जिस्टिंग फाइल, जनरली नो रखेंगे तो बेटर है। हाँ, यहाँ पे आपको नाम चेंज करने को भी देता है, तो आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। परचेस रजिस्टर एक्सेल फॉर्मेटिंग वो ऐसे रहेगा तो बेटर है, विथ कलर चाहिए तो कलर भी दे देगा, ओपन एक्सपोर्ट फाइल, यस मुझे ओपन करना है, मतलब आप जब एक्सपोर्ट करेंगे प्रेस एंटर में तो फाइल ओपन होगी। और यहाँ पे देखो वो डिटेल पूछता है कि आपको ये चाहिए क्या, या आपको ये चाहिए क्या, या आपको चाहिए क्या, तो जनरली नरेशन और फॉर्मेट डिटेल वो जनरली डिमांड होता है, तो वो ओके यस कीजिए। देखो आया, ये आपका MNC रजिस्टर परचेस रजिस्टर है, तो आप ऑडिटर GST कंसल्ट को शेयर कर सकते हैं। ओके तो ये आपका, तो दोस्तों अभी कैश सेल्स, हाँ, हाउ टू बुक कैश परचेस वाउचर्स, हाउ टू बुक कैश परचेस वाउचर्स, तो कैसे बुक करना है, तो देखो देखो ये और ये नीचे का सेम ही है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तभी सॉरी, हाउ टू बुक क्रेडिट परचेस, हाँ, तो अभी यहाँ दिखाता हूँ, अकाउंटिंग वाउचर्स परचेस में जाता हूँ, एज ए वाउचर फॉर्मेट नंबर है 251, डेट है 30 जून 31 जुलाई 2020। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि अपना चलो 1 जून 2020 अपने परचेस किया है ABC एंड कंपनी से 150,000, न्यू रेफरेंस जो इनवॉइस नंबर होगा, परचेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स, परचेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स, तो ये आपका हो गया बुक का क्रेडिट परचेस। और यहाँ पे आप परचेस रजिस्टर देख सकते हैं, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स एंड परचेसेस, ओके दो इंट्री है, पहले का कैश परचेस और दूसरे का क्रेडिट। हाउ टू एक्सपोर्ट मैंने आपको बताया, फ्रेंड्स कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स आप प्रैक्टिस कीजिए, डेबिट नोट मतलब परचेस रिटर्न, क्रेडिट नोट मतलब सेल्स रिटर्न, तो सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, ओनली थिंग कहाँ पे देखने का डेबिट नोट रजिस्टर और क्रेडिट नोट रजिस्टर। तो दोस्तों यहाँ पे आप अकाउंट वाउचर में आप एक बार ट्राई कीजिए ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ओके, और आपका देखना है पूरा तो डिस्प्ले में अकाउंट बुक्स में यहाँ पे जनरल रजिस्टर में जाएंगे तो आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट रजिस्टर का। तो फ्रेंड्स एक बार खुद आप प्रैक्टिस करें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे बुक करना चाहिए। तो डेबिट नोट में आप परचेस रिटर्न का भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं और क्रेडिट नोट में सेल्स रिटर्न का भी कर सकते हैं, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अकाउंट्स के। कॉन्ट्रा वाउचर्स, देखो कॉन्ट्रा वाउचर्स में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ऑलवेज, सॉरी डेबिट नोट नहीं, डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज कैश और बैंक, और क्रेडिट ऑलवेज कैश और बैंक, ओके।
टैली अलाउड भी नहीं करेगा, दूसरा लेजर शो भी नहीं करेगा, दिखाना तो ये पे देखो कॉन्ट्रा, देखो उसने तीन ही वो ये एलआईएस है, बैंक ऑफ इंडिया और कैश, तो दो ही देगा। और टैली ने बहुत अच्छा सेटअप किया है कॉन्ट्रा के लिए, ये गलती यहाँ पे आपको गलती ही नहीं होगा, आपको मतलब गलती से आप एक्सपेंस का भी लेजर नहीं ले सकते, लायबिलिटी का भी नहीं ले सकते, फिक्स एसेट का भी नहीं ले सकते और रेवेन्यू का भी नहीं ले सकते। ओके तो साले ओनली कैश और बैंक ही ओनली। ओके कॉन्ट्रा रजिस्टर आपको दिखाना है कि कहाँ पे है। ओके अभी रिपोर्ट्स दोस्तों, टैली में बहुत सारे रिपोर्ट्स है दोस्तों, अगर आपका मास्टर सेटअप परफेक्ट होगा, आपका इनपुट ट्रांजेक्शन परफेक्ट होगा, तो टैली में बहुत सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल है, बहुत बहुत है, जितना आप कंपैरिजन करेंगे अच्छा। इसलिए रिक्वेस्ट है, अगर आप गलत फीड करेंगे तो गलत रिपोर्ट निकालेगा, लेकिन आप प्रॉपर फीड करेंगे, अगर नहीं मालूम आप सीनियर से डिस्कस कीजिए और प्रॉपर अपडेट कीजिए। तो पहला जो यहाँ पे आप देखेंगे ना, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रेशो, रेशो फॉर कंपैरिजन पर्पस, अंडरस्टैंडिंग पर्पस, मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, मेरा करंट एसेट कितना है, करंट रेशो कितना है, स्टॉक डेप्ट इक्विटी रेशो कितने हैं, डेटर्स क्रेडिटर्स, ये सब मतलब एक इन्फॉर्मेशन पर्पस है और MIS पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्ले, हाँ अभी जब जब मैं बैलेंस शीट दिखाता ना, यहाँ पे ना F10 करके है अकाउंट रिपोर्ट, अकाउंट रिपोर्ट में देखो डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट है, बिल्स पेबल चाहिए तो आप बिल्स पेबल मालूम करेंगे। अभी हाँ ये बैलेंस शीट आपकी वर्टिकल है ना, F12 करके आप इसको वर्टिकल बैलेंस शीट कर सकते हैं, पीरियड वाइज भी ले सकते हैं, डे वाइज भी ले सकते हैं, एक दिन का भी बैलेंस शीट मिलता है, 10 दिन का भी मिलता है, जैसा आपको यूज हो जाए। अकाउंट्स रिपोर्ट, अब बिल्स रिसीवेबल चाहिए तो बिल्स रिसीवेबल अगर एंटर रहेगा तो मिलेगा, कैश एंड बैंक, कैश फ्लो, कैश सेंटर, डे बुक, डे बुक देखो कितना एंट्री बुक हुआ ना वो डायरेक्टली यहाँ पे दिखाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस भी देखना है, अब F1 कीजिए डिटेल तो आपको डिटेल में मिल जाएगा। ओके अब ये आपका वर्टिकल है, आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए प्रेस F12 कीजिए, यहाँ पे नो कीजिए, देखो आया तो ये नो, क्लियर, तो ऐसा आपको मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन है, सब बैलेंस शीट के अंदर है। ओके अभी पीछे जाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस वहाँ पे भी सेम ऑप्शन है, देखो अकाउंट रिपोर्ट सेम वैसे के वैसे ऑप्शन है, मनली यहाँ पे बैलेंस शीट है और वहाँ पे बैलेंस शीट के प्रॉफिट एंड लॉस था। ओके सेम ऑप्शन है, ये यहाँ से भी एक शॉर्टकट ही है, सब शॉर्टकट है रिपोर्ट्स के कि कैसे मिलेंगे आपको, जैसे आपको सेलेक्ट करना है और उससे एनालाइज करना है। ओके और यहाँ पे डिस्प्ले पे भी अलग से दिया है, तो पहले अपन देखेंगे कितने कितने ऑप्शन है। हाँ देखो यहाँ पे एक ऑटो कॉलम भी है, आपको वीकली चाहिए, डेली चाहिए, फोर्टनाइटली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए, मंथली, क्वार्टरली, वीकली, बहुत सारे ऑप्शन दिए, तो इसलिए मुझे ट्रांजेक्शन सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेन्यूज अवेलेबल, अगर यहाँ पे आप देखेंगे डिस्प्ले, ट्रायल बैलेंस में कोई सब मेनू नहीं है, डे बुक में कोई सब मेनू नहीं, अकाउंट बुक देखो सब मेनू, इसको बोलते हैं सब मेनू, और जनरल रजिस्टर में और भी मेनू है, सब मेनू और भी है, उसमें जनरल रजिस्टर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, क्विट है, क्लियर। तो यूजर हैज टू डिसाइड कि क्या क्या उसको देना है, देखना है तो देख सकता है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, इसमें और एक फर्दर मेन्यू है, रिसीवेबल, पेबल, लेजर, ग्रुप वाइज, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट, लोन गिवन, टेकन, सब इसमें ऑप्शंस है। कॉस्ट सेंटर्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया प्रीवियस सेशन में, यहाँ पे भी प्रैक्टिस दिखा देते, कोई कॉस्ट कौन सी कंपनी कॉस्ट सेंटर, तो मैंने कौन सा ABC, क्लियर। देखो आप ऐसे भी कंपनी डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं, MNC कंपनी। ओके आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग अगर देखना, चलो ABC एंड कंपनी का देखते हैं स्टेटमेंट, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल्स देखो इतना है, रिसीवेबल्स है, क्रेडिटर्स का अगर नहीं, क्रेडिटर्स हाँ सॉरी पेबल्स है, देखो क्रेडिटर्स, ओके यहाँ पे क्रेडिटर्स का, क्लियर। लेजर वाइज भी देख सकते, ग्रुप वाइज भी देखते हैं, कॉस्ट कैटेगरी, टैली ऑडिट फीचर्स क्या क्या है, कॉस्ट सेंटर का टैली ऑडिट है, ये ऑडिटर के लिए, ये दो ऑप्शन है ऑडिटर के लिए दिया है उन्होंने, मतलब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग के लिए देखो ये टैली ऑडिट एंड ये टैली ऑडिट, ये ऑडिटर के लिए दिया है उन्होंने, ऑडिट करते ना तब उनको एक ईजी पड़ जाता है कि क्या क्या उनको डायरेक्टली यहाँ पे नोट डाउन करने दिया है, बहुत अच्छा दिया उनके लिए भी। हाँ
स्टैटिस्टिक मतलब साल भर में कितने इंट्रीज बुक हुए, हाँ जीएसटी रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट बुक्स, ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टैटिक रिपोर्ट्स अपने को देखने हैं ना, इसमें है वो आउटस्टैंडिंग्स, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट, जॉब बोर्ड, टैली ऑडिट, स्टैटिस्टिक्स, और किसमें स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, हाँ यहाँ पे देखो स्टैट्यूटरी जीएसटी कि जीएसटी का रिटर्न भी यहाँ पे मिलता है, 1-2 चलान रिकर्सल अपडेट पार्टी जीएसटी नंबर, यहाँ से डायरेक्टली, और टैली ने बहुत अच्छा एडवांस डेवलपमेंट बहुत किया है जीएसटी में, अब बहुत अमेंडमेंट अपडेट किए हैं। ओके तो आप इजी, उन्होंने बहुत इजी करके दे रहे हैं यूज़र को, सो दैट उनको मालूम पड़े। जॉब वर्क ये सब स्टॉक के लिए, कैश फ्लो फंड फ्लो भी आपको मिलता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट भी होता है कि कितने साल में रिसिप्ट हुआ, पेमेंट हुआ, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, कितनी लेजर्स है टैली में। ओके दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो जब भी आप कोई भी रिपोर्ट ओपन करते हैं ना, तो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे और भी क्या उसमें ऑप्शंस है क्या, स्पेशली कॉलमनार फॉर्मेट है ना, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत बहुत अच्छा है, और यूज़र को उन्होंने सजेस्ट भी किया है कि आपको कॉलम कौन सा चाहिए नहीं चाहिए वो भी देखे, तो इतना अच्छा उन्होंने रिपोर्ट फॉर्मेट में दिया है ना, तो बहुत आपको इजी पड़ेगा। ओके तो आप एक एक ऑप्शन खुद देखिए कि कैसा टैली ने सजेस्ट किया है देखने के लिए। तो देखो हर एक फॉरेन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट्स फॉर्मेट रहता है, तो आप अगर जोहो में देखेंगे ना, तो उसमें एक ऑप्शन भी दिया है कि आपको रिपोर्ट आपको बनाना है खुद ही, तो आप खुद बना भी सकते हैं कि ये मुझे कॉलम चाहिए, ये मुझे कॉलम चाहिए, ये कॉलम, तो वैसा भी ऑप्शन जोहो में दिया है। अब यहाँ पे टैली में रिडीमिंग करके दिया है, ये रिपोर्ट्स होंगे, ये बहुत यूज़फुल है, तो इतना अच्छा टैली में सेटअप परफेक्ट किया है। ओके कैश फ्लो फंड फ्लो कैश फ्लो प्रोजेक्शन वो भी बहुत अच्छा दिया है, देखो कैश फ्लो प्रोजेक्शन भी आप कर सकते हैं कि बेस ऑन वो टैली क्या रिव्यू करेगा पूरा आपका पूरे साल भर में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उसके बेस पर रिसिप्ट एंड पेमेंट, एक्सेप्शन रिपोर्ट, तो एक्सेप्शन मैंने बोला नेगेटिव लेजर्स, नेगेटिव क्या है, बैच है, ओवरड्यू रिसीवेबल है, मतलब पैसा 45 डेज में आना चाहिए तो नहीं आया, तो ये इधर से ओवरड्यू पेबल्स 45 डेज में देना था नहीं दिया, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। मेमोरेंडम ऑफ वाउचर्स मैंने ऑलरेडी बोला, मेमोरेंडम ऑफ वाउचर मीन्स टेम्परी बुकिंग ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज, आपको अगर मालूम नहीं है कि भाई ये एंट्री बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप टेम्परी बुक करके रहते हो, एक बार सीनियर से डिस्कस हुआ ना, तो आप मेमोरेंडम वाउचर ओपन करके बाद में उसको वापस मॉडिफाई करके रिसिट्स है, पेमेंट है, जर्नल है, तो उसमें आप बुक कर सकते हैं। रिवर्सिंग जर्नल भी है, ऑप्शनल है, कैंसिल वाउचर है, ईमेल आईडीज, तो कैंसिल वाउचर भी यहाँ पे सेव होते हैं, तो दोस्तों ध्यान रहे यहाँ पे सब सेव होता है। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स जूनियर्स को राइट्स नहीं मिलता है। ओके लेकिन ये इन्फॉर्मेशन पर्पस को आपको मैं बता रहा हूँ। ओके तो ये एक बार मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, ये देखो तीन मैंने बताया मास्टर ट्रांजेक्शन एंड रिपोर्ट सेटअप, आपका मास्टर सेटअप जो मेरे प्रीवियस लेक्चर है उसमें आप सुनेंगे, और ट्रांजेक्शन वो भी आप प्रीवियस यूट्यूब लेक्चर दें, तो ये दोनों अगर आप क्लियर हुए ना, तो आप रिपोर्ट स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड, कोई इशू नहीं आपको हैंडल करने में। ओके तो दोस्तों आज की मुझे आशा है कि आपको ये यूट्यूब का लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, तो जो भी नई अपडेट्स आएंगे ना, तो आपको डायरेक्टली मालूम पड़ेगा। ओके तो थैंक यू।